अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं कार एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, लेकिन कार लवर ज़रूर हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह होंडा सिविक 96 मेरी फेवरेट गाड़ी है। इसके साथ साथ जो मुझे तजर्बा हुआ है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी आज की वीडियो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हर कार ओनर ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की होगी, वो है कार का मिसिंग करना। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी मिसिंग क्यों करती है और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गाड़ी मिसिंग किस वजह से कर रही है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें। व्यूअर्स, ये प्लग वायर्स हैं, हम इनको वन बाय वन उतारेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमारे स्पार्क प्लग ठीक काम कर रहे हैं। इसको उतारने पर अगर तो आपकी गाड़ी बंद होने लगे, नॉकिंग की आवाज़ भी आने लगे, जिसे कुकिंग की आवाज़ कहा जाता है, तो इट मीन्स कि आपके प्लग बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें से कुकिंग की आवाज़ आ रही है, इट मीन्स कि मेरा प्लग बिल्कुल ठीक है, इसमें करंट सही तरीके से पास हो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं। सिमिलरली आपने ये एक एक करके तमाम निकाल के चेक करने, अगर आपकी गाड़ी बंद होने लगे तो इट मीन्स कि आपके प्लग बिल्कुल ठीक हैं। सेकंड नंबर पे आपने ये अपने फ्यूल इंजेक्टर देखने हैं, ये आपको चार नज़र आ रहे हैं। बाज़ूकात इनमें भी कचरा आ जाता है, फ्यूल सही तरीके से स्प्रे नहीं हो पाता सिलेंडर्स में, तो जिसकी वजह से भी मिसिंग होती है। थर्ड नंबर पर एक ऐसी प्रॉब्लम जो लोग ओवर लुक कर जाते हैं, ये है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूटर कैप। बाज़ूकात डिस्ट्रीब्यूटर कैप क्रैक होता है, जिसकी वजह से भी गाड़ी मिसिंग करती है। तो आपने ये तीन चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, प्लग वायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर कैप और फ्यूल इंजेक्टर। फोर्थ नंबर पे आपने फ्यूल पंप ज़रूर चेक करवाना है। फ्यूल पंप मेरे पर्टिकुलर मॉडल में ये जो आपको बैक सीट नज़र आ रही है, इसके नीचे टंकी में लगा होता है, आपने ये भी चेक करवाना है। बाज़ू का फ्यूल पंप भी कमज़ोर होता है, जो प्रेशर में फ्यूल नहीं दे पाता और जिसकी वजह से भी मिसिंग होती है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपने फिर अपना ECU स्कैन करवाना है। बाज़ू का इलेक्ट्रिकल मसला होता है, स्कैन करने पर आपको एरर का पता चल जाता है। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी गाड़ी मिसिंग करे तो आपने सबसे पहले अपने स्पार्क प्लग्स चेक करने हैं, फिर फ्यूल इंजेक्टर चेक करने हैं, अपना फ्यूल पंप चेक करवाना है कि वो फॉल्टी तो नहीं है। एक मसला ये भी होता है जिसे लोग ओवरलुक करते हैं, वो है कि आपका क्रैक्ड डिस्ट्रीब्यूटर कैप, अगर ये क्रैक है, फॉल्टी है, इससे भी आपकी जो है ना वो गाड़ी मिसिंग करती है। थर्ड नंबर पर अगर आपकी स्पार्क प्लग भी ठीक हैं, आपकी फ्यूल इंजेक्टर भी ठीक हैं, फ्यूल पंप भी आपका ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर आपका ये यकीन इलेक्ट्रिकल मसला होगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियों की वायरिंग अक्सर शॉर्ट हो जाती हैं, कमज़ोर होती हैं और आपके जो है ना सेंसर को करंट नहीं मिल पाता सही तरीके से, तो आप उनको चेक करवाएं। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप अपना जो ECU है वो स्कैन करवाएं, आपको फौरन फॉल्ट बता देगा। आप सेंसर वगैरह चेक करवाएं, TP सेंसर, मैप सेंसर, उनमें भी बाज़ू का फॉल्टी होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो मिसिंग के मसले हैं वो आते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि जब गाड़ी मिसिंग करती है तो आपने ये चेक करनी है। सबसे पहले आपने अपने जो स्पार्क प्लग्स हैं वो चेक करवाने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अपनी जो प्लग वायर्स हैं वो वन बाय वन उतारें। अगर तो आपकी गाड़ी बंद होने लगती है, टक 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 की आवाज़ आती है, तो इट मीन्स कि आपका प्लग ठीक है। सेकंड नंबर पे फ्यूल इंजेक्टर्स चेक करवाएं, थर्ड नंबर पे अपना फ्यूल पंप चेक करवाएं। अगर इन सब के बावजूद भी फ़र्क ना पड़े तो आप फिर अपनी गाड़ी स्कैन करवाएं। यकीनन ये सेंसरों का मसला होता है, स्कैन करने से आपको जो प्रॉब्लम है वो ट्रेस आउट हो जाती है और आपका जो मिसिंग का मसला है ये हल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा। ये मेरी जो पर्टिकुलर गाड़ी है होंडा सिविक 96, इसके साथ मुझे किन किन जो कौन कौन से मसले मैंने फेस किए, उनसे मैंने क्या सीखा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।